गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग गुडविल के जो टॉपिक को स्टार्ट किए हुए हैं उसी को विस्तारित करेंगे। इससे पूर्व हम लोग गुडविल में सिंपल एवरेज मेथड से गुडविल निकालना हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग एवरेज मेथड को दो भागों में बटा गया था, एक सिंपल एक वेटेड। तो वेटेड एवरेज मेथड का हम लोग आज चर्चा करेंगे, फिर सुपर प्रॉफिट, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड हम लोग चर्चा करेंगे। एनथी मेथड जो था वो हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो गुडविल का वेटेड एवरेज मेथड जो है उसको समझने से पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। याद कीजिए, हम लोग इसमें क्या होता है, हर वर्ष के प्रॉफिट को एक वेट असाइन किया जाता है। वेट असाइन करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि गुडविल फाइनली हम लोग जो एवरेज प्रॉफिट में भी पड़े, सिंपल में एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए, उसको नंबर ऑफ ईयर्स से परचेस से गुना किए। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस करने का मतलब ये गुडविल इतना साल तक सस्टेन करने की संभावना है, उतना हमको डाटा दिया रहेगा। जनरली 4 से 5 साल तक मैक्सिमम गुडविल सस्टेन करती है, इसलिए नंबर ऑफ उतना ईयर से हम लोग गुना कर लेते हैं। मतलब एक बार गुडविल को एवोल्यूएट किए तो 4 से 5 साल तक वो गुडविल सस्टेन करेगी। इस पर चर्चा हो चुकी है। अब एवरेज में क्या होता है, इसमें हर वर्ष के प्रॉफिट जो रहेगा, हर वर्ष के प्रॉफिट को, प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को क्या होता है, एक वेट असाइन किया जाता है। प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को एक वेट असाइन किया जाएगा, जिसमें जिसका आशय क्या है, मान लीजिए 90,000 इस वर्ष का प्रॉफिट है, एक वर्ष का 15,000 है, एक वर्ष का 60,000 है, तो सपोज 1, 2, 3 इसको वेट असाइन किया गया। मतलब 90,000 एक बार आया, 15,000 दो बार आया, कहने का आशय 60,000 तीन बार आया। सिंपली देखिए, अब फ्रीक्वेंसी में जो पढ़ते थे एक्स और उसका फ्रीक्वेंसी, तो एक्स मान लीजिए था 5, 10, 15। अब एक 5 कितना बार आया, तो 2 बार, हो सकता है 10, 7 बार आया और 15, 8 बार आया। तो हम 5 को 2 बार ना लिख के 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 को 10, 10, 10 करके 7 बार ना लिख के उसको एक वेट एनालाइज कर दिए। ये आपका क्या है, वेट है। वेट इसको क्या किए, असाइन किया गया। 15 को हम 8 बार ना लिख के क्या किए, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को एक वहां पर एक बेट स्केलिंग डेवलप होता है, जो प्रॉफिट को बेट स्केल किया जाता है, जिसके द्वारा तो इस वर्ष का प्रॉफिट को इतना वेट दिया गया, इस वर्ष को इतना, मतलब इतना टाइम्स वो गेन होने की संभावना है। तो प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को कंसर्न वेट से हम लोग गुना कर लेंगे। इस प्रक्रिया को ही हम लोग वेट से हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर एवरेज प्रॉफिट का मेथड को अपनाएंगे। सिंपल प्रॉफिट में क्या करते थे हम लोग, तीनों को ऐड करके एवरेज निकाल के नंबर ऑफ परचेस से गुना कर दिए। मगर हम प्रॉफिट को वेटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। वेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, वेटेड प्रॉफिट। 90 × 1 = 90,000, 15 × 2 = 30,000, 60 × 3 = 180,000। और ये जो होगा उसका हम लोग वेट लेंगे, एवरेज ले लेंगे। और एवरेज किससे लेंगे, वेट से कंसर्न भागा देके निकालेंगे। आइए इस सारे कंसेप्ट को समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक से एक सम्स लेते हैं। Here we have the profit of the firm for the last 5 years as follows. 5 साल का profit दिया है, 2014-15 से start है और 2018-19 तक गया, 5 years profit given है. Then calculate the value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit. Here what mentioned, weighted average profit. तो पहले हमको weighted profit निकालना होगा, then weighted average में convert करना होगा, तब number of years से purchase से multiply करके हम लोग गुडविल करेंगे। जब भी वेटेड एवरेज का चर्चा आएगा तो प्रत्येक वर्ष के प्रॉफिट को एक वेट असाइन किया जाता है, वो आपका नीचे गिवन है, वेट बेस्ड ऑन 1, 2, 3, 4, 5 रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर 14, 15 अप टू 18, 19। प्रत्येक वर्ष को क्रमागत 1 से 5 तक वेट असाइन किया गया है, तो हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो हियर हमारा टेबल क्या होगा, पहले प्रॉफिट्स होगा टेबल में, पहला पार्ट प्रॉफिट्स, किस किस ईयर है, 2000 ईयर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, ईयर
प्रॉफिट्स और फिर वेट, कंसर्न प्रॉफिट का जो वेट है उसको भी ले लेंगे हम लोग, ईयर प्रॉफिट और फिर वेट, देन वेटेड प्रॉफिट जो मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड प्रॉफिट। ईयर कब से है हमारा, 2014 से 15 है, 2015 से 16 है, 2016 से 17 है, 2017 से 18 है, 2018 से 19 है, 5 years profit हो गया, 1, 2, 3, 4, 5। कंसर्न प्रॉफिट है 14-15 में आपका है 20,000, हो सकता है यहाँ प्रॉफिट के जगह लॉस भी हो, क्वाइट पॉसिबल प्रॉफिट के जगह लॉस भी हो, तो हम लोग उसको माइनस कर लेंगे फाइनल फिगर में, मल्टीप्लाई करेंगे वेट में, उसको माइनस में ही लिखेंगे, अब फाइनल टोटल वेटेड प्रॉफिट करेंगे तो उसमें माइनस के रूप में कंसीडर करेंगे, क्योंकि व्यवसाय में हमारा प्रॉफिट की कामना होती है, परिणाम स्वरूप लॉस भी हो सकेगा, तो सेम वे में उसको कंसिडर करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे, बट उस डिजिट को, उस वर्ष के डिजिट को हम लोग माइनस के रूप में ही ओवरऑल इंक्लूड करेंगे। 20,000, फिर नेक्स्ट है 24,000, फिर नेक्स्ट है 16-17 में 30,000, फिर आपका नेक्स्ट है 17-18 में 25,000, देन फाइनली 18-19 में आपका 18,000। ये आपका प्रॉफिट्स है, और कंसर्न जो वेट है 14-15 से स्टार्ट होकर 18-19 तक का रेस्पेक्टली 1-5 दिया गया है, तो वेट हो गया इसका 1, 2, 3, 4, 5, वेट गिवन रहेगा, ये डाटा गिवन रहेगा, हम खुद से वेट एंड नहीं कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि कंसर्न प्रॉफिट का क्या वेट दिया किया गया है। अब हम लोग वेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम में, तो वेटेड प्रॉफिट निकलेगा 20 × 1/20,000, देन 48,000, देन 90,000, 1,00,000, फाइनली 90,000। अब हम लोग का ये जो पार्ट होगा टोटल वेटेड प्रॉफिट हो जाएगा, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं और वेट को भी ऐड करेंगे, टोटल वेट 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, ये आपका टोटल वेट हो गया। अब टोटल वेटेड प्रॉफिट क्या होगा, 3,0,8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 9, 15, 15 और 9, 24 के चार हाथ में 2,03,48,000, ये आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एवरेज वेटेड प्रॉफिट, एवरेज वेटेड प्रॉफिट इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। याद कीजिए फ्रीक्वेंसी वाला जो टेबल था हम लोग का, उसमें क्या करते थे, जो एफ को हम वेट माने तो सिग्मा एफ एक्स निकालते थे और भागा सिग्मा एफ से ही देते थे, मतलब टोटल वेट से ही। यहां भी हम लोग टोटल वेट से ही भागा देंगे। इस क्वेश्चन में अगर ये एक्स का है मान और ये एफ है, तो सिग्मा एफ एक्स ये हो गया और भागा किसे देते थे, सिग्मा एफ से। आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट आपका है 3,48,000 अपॉन टोटल वेटेड प्रॉफिट ये और टोटल वेट 15। पांच पंद्रह 30, चार बढ़िया 15, 45, 3 बढ़िया 23,200। अब हमको गुडविल निकालना है, गुडविल इक्वल टू एवरेज वेटेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज मतलब
ये कितना दिन तक इसका सस्टेन करने का गुडविल सस्टेन करेगा मार्केट में, 3 साल 4 साल, वो क्वेश्चन में गिवेन रहता है आपका। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज है, 3 इयर्स परचेज है आपका जी, 3 इयर्स। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा यहाँ पर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसके जगह उसका नंबर डिजिट पुट करते हैं 23,200 और 3 इयर्स नंबर ऑफ परचेज है, इट मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 6 × 3 = 9 और 3 × 6 आपका आंसर होगा। तो ये फंड आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो सिंपल था उसका हो गया। अब हम लोग इसमें क्या है, कभी कभी इसमें प्रॉफिट ना होकर लॉस होता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में 15-16 में 24,000 का लॉस रहता, इसको बेट से गुणा करते हैं, अब फाइनल फिगर में भी इसको माइनस में लिखते हैं और यहाँ ऐड करते हैं तो इसका पार्ट क्या आ जाता है, 3 लाख। सपोज ये माइनस में रहता तब क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, हम 15, हो सकता है बच्चों के मन में जिज्ञासा हो सर एक साल लॉस हो तो क्या करेंगे, इस केस इसी क्वेश्चन में इस साल लॉस कंसीडर करके उसको सोल्व कर रहे हैं, तो फाइनल लॉस है मतलब ब्रैकेट में लिख दिया माइनस हो गया, फाइनल फिगर भी मल्टीप्लाई करके जो वेटेड प्रॉफिट है वो भी माइनस में आएगा और टोटल वेटेड प्रॉफिट में उसको माइनस में कंसीडर किया इतना आ गया और टोटल वेट तो वही होगा 15 ही होगा, 15 से भागा देंगे तो ये आपका 20,000 होगा। अब इस केस में गुडविल 3 से मल्टीप्लाई होगा मतलब 60,000 हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड जितना सम्स होगा आप लोग करेंगे, आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे सुपर प्रॉफिट के बारे में। सुपर प्रॉफिट क्या है, मार्केट में विभिन्न दुकानदार जो कमाई कर रहा है मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट की कमाई हो रही है उससे जितना ज़्यादा अगर कोई व्यवसायी कमा रहा है तो वो उसका सुपर प्रॉफिट है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। आइए उससे बेस्ट एक सम्स लेते हैं हम लोग उसको समझ, और सम्स से ज़्यादा बेहतर हम लोग समझेंगे। आइए हम लोग कवर कर रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट हम लोग को जरूरत होगा, इसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करके गुडविल फाइंड करेंगे। सुपर प्रॉफिट क्या है, एक ही लोकेलिटी में 3 व्यवसायी है, मान लीजिए ए बी सी, तीनों एक ही प्रोडक्ट का व्यवसाय कर रहा है और समान पूंजी लगा के व्यवसाय कर रहा है, ये हमारा एजुम्सन है, मतलब सेम कैपिटल इन्वेस्ट किया, सेम प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहा है एक ही लोकेलिटी में, ये आपका 10 साल से व्यवसाय कर रहा है 10 ईयर्स से, ये आपका 8 ईयर्स से व्यवसाय कर रहा है और ये आपका 2 ईयर्स से, स्पष्ट है, सेम कैपिटल इन्वेस्टेड है, सेम प्रोडक्ट का व्यवसाय है, सेम लोकेलिटी है, बट ये 10 साल से कर रहा है तो क्या हुआ होगा, ये मार्केट में कुछ अपना फेम और इमेज बना लिया होगा, मतलब लोग उस मार्केट में ए ट्रेडर के नाम से उसे जानने लगा होगा, कोई लोग अगर मार्केटिंग शॉपिंग करने जा रहा है तो उसके रिश्तेदार बोल रहा है नहीं नहीं आप ए ट्रेडर्स के पास जाइएगा उसका प्रोडक्ट अच्छा रहता है रिलायबल है, मतलब ये गुडविल डेवलप कर लिया, मतलब लोग इसके ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ इसका सेल ज्यादा होगा तो इसका मतलब इसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। सपोज इसकी प्रॉफिट है 5 लाख, कितना है 5 लाख है, इसका मान लीजिए 3 लाख है और इसका फाइनली अभी जस्ट स्टार्टिंग किया 2 लाख है, तो और उस मार्केट में एक स्टैंडर्ड पूछने पर पता चला व्यवसायी लोग से कि क्या प्रॉफिट होती है, तो नॉर्मली हम लोग 2 लाख कमा लेते हैं, ये तीनों व्यवसायी से जो बात की है तो नॉर्मल प्रॉफिट की कमाई मतलब जहां एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा, मतलब उतना कमाई होना ही है, उसका कोई नेम ना हो कोई फेम ना हो, मतलब नया बिजनेस उस मार्केट में सेटअप हो उतना ही पूंजी लगा के, तो उसको भी 2 लाख की कमाई होगा, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या हो गया, जिसमें कोई नेम फेम भी ना हो तो वो कमाई होगा ही, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इस केस में हम सी का कमाई को नॉर्मल प्रॉफिट अगर मान ले तो 2 लाख नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, तो बी क्या 2 लाख ही कमा रहा है, नहीं बी 3 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख जो एक्सेस कमा रहा है इसका क्या हो गया, गुडविल हो गया, इसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। इसकी कमाई क्या हो गया 3 लाख, 3 लाख ज्यादा है तो 3 लाख जो सुपर प्रॉफिट है
इसके लिए क्या है, गुडविल है, ये भी गुडविल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इससे जो ऊपर की कमाई है, ये जो पार्ट है टोटल तो 5 लाख था, क्या है, गुडविल है। तो सी के लिए कोई गुडविल नहीं है, नया सेटअप है, बट नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्न करना है वो तो अर्न करेगा है। इसके यहाँ भी दुकानदार ग्राहक आएंगे करे करने के लिए, बट इसके यहाँ ज्यादा आएंगे, इससे भी ज्यादा इसके यहाँ आ रहे हैं, तो किस कारण से आ रहे हैं, गुडविल, और वही आपका गुडविल है। तो और उसको हम लोग क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया, एक्चुअल प्रॉफिट, जो एक्चुअली अर्निंग जो कर रहा है 5 लाख या 3 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ ए के केस में कितना हो जाएगा एक्चुअल प्रॉफिट, 5 लाख है, और नॉर्मल प्रॉफिट हम 2 लाख माने हैं, सी का जो कमाई था इसका गुडविल 3 लाख हो गया, जिसको सुपर प्रॉफिट भी कह सकते हैं। दो के केस में 3 लाख माइनस 2 लाख 1 लाख, सी के केस में 2 लाख इसका एक्चुअल प्रॉफिट भी है और नॉर्मल प्रॉफिट भी इसका 2 लाख है, तो सी के केस में गुडविल आपका नील हो गया, 0, क्योंकि अभी जस्ट न्यू सेटअप बिजनेस है, इसको भी टाइम लगेगा नेम और फेम कमाने में, स्पष्ट है। तो सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है, बट हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष गुडविल नहीं एवुलेट करते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन प्रत्येक ईयर नहीं किया जाता है, एक बार वैल्यूएशन कर लिए तो एक ट्रेंड डेवलप होता है, जिससे हम लोग जान जाते हैं कि 4 साल 5 साल मैक्सिमम 5 साल तक या 2 साल 3 साल तक ये सस्टेन करेगा, तो उसी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हो गया, मतलब इतना साल तक वो सस्टेन करेगा। ये नहीं है कि 40 साल 50 साल तक के लिए गुडविल होगा, आज का गुडविल 40 साल तक सस्टेन करेगा ऐसा नहीं है, हो सकता है 40 साल तक तो मेरा व्यवसाय ही ना रहे उस लोकेलिटी में, हो सकता है गवर्नमेंट उसको कंपलसरी एक्वाइर्ड कर ले, अचानक क्या हो जाए, 40 साल एक लंबा टेरिवर है, इसीलिए 4 से 5 साल तक मैक्सिमम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जो आपका क्वेश्चन में दिया रहता है। तो मेनली सुपर प्रॉफिट ही गुडविल है, बट इसको सस्टेन करने की संभावना 4 साल है, तो 4 साल से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्पष्ट है। तो ये सुपर प्रॉफिट मेथड का आपका कंसेप्चुअल भाग था, इस पर आधारित एक सम हम लोग देखते हैं, आइए और बेहतर हम लोग उससे समझ पाएंगे। फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ ₹90,000, कैपिटल कितना है 90,000, द नॉर्मल प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 10%, नॉर्मल प्रॉफिट वहां एस्टिमेटेड कितना है 10%, मान लीजिए 1 लाख लगा रहे हैं तो 10,000 की कमाई होगा, 90,000 लगाए तो 9,000 की। इफ द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 13,000, मतलब वास्तव में 13,000 कमा रहा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड बिल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट हमको गिवेन है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका गिवेन कितना है 13,000, नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज में गिवेन है, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, 10% है एस्टिमेटेड और कैपिटल फर्म का है 19,000, तो 19,000 का 10% हो गया, उस लोकेलिटी में 10% है, मतलब 9,000 की कमाई है, स्पष्ट है। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट हम लोग जान रहे हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट हियर 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट जस्ट वी कैलकुलेटेड 9,000, इट मीन्स सुपर प्रॉफिट फाइनली 4,000, बट गुडविल बोल रहा है हाउ मच ईयर परचेज ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, देन गुडविल आपका कितना हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट ईयर 4,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3, इट मीन्स गुडविल इक्वल टू 12,000, स्पष्ट है। यहां पर कैपिटल जो था एस्टिमेटेड है
हो सकता है क्वेश्चन में कैपिटल हमको निकालना पड़ जाए। नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दे दिया कि 10% से यहाँ कमाई हो, अगर नॉर्मल प्रॉफिट अगर डिजिट में निकाल के दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, अगर परसेंटेज में है तो हमको कैपिटल इम्प्लाइड निकालना होगा। कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए हमको दो तरीका है, या ये क्या करेंगे, व्यवसाय में जितना एसेट्स है उसमें आउटसाइडर घटा देंगे, व्यवसाय का जितना एसेट्स है फिक्स एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स में क्या घटाएंगे, आउटसाइडर लायबिलिटीज घटा देंगे। हम लोग पढ़े थे ना अकाउंटिंग क्वेश्चन में, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स, एसेट्स तो यहां पर हमको कैपिटल निकालना है, तो एसेट्स में क्या करेंगे, कैपिटल निकालना है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, स्पष्ट है। और डायरेक्ट कैपिटल भी हम लोग सूचना रहेगा, एसेट्स भी नहीं दिया है, लायबिलिटीज भी नहीं दिया है, डायरेक्ट कैपिटल भी रहेगा। तो कैपिटल में क्या क्या रहता है, कैपिटल तो रहेगा पार्टनर्स का जितना कैपिटल है, टोटल पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरशिप में रिजर्व जब बनाने लगते हैं हम लोग तो सरप्लस एंड रिजर्व जो रहेगा, सरप्लस एंड रिजर्व जो रहेगा उसको जोड़ लेंगे वो कैपिटल हो जाएगा। डायरेक्ट कैपिटल भी निकाल सकते हैं, चाहे टोटल एसेट्स में हम लोग लायबिलिटीज डेड करके भी कैपिटल निकाल सकते हैं, और नॉर्मल और रेट ऑफ रिटर्न से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का तुरंत नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निश्चित रूप से गिवन होगा, और उससे हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ इयर्स से फटाक से मल्टीप्लाई करके गुडविल पा लेंगे। इस तरह का सिचुएशन से रिलेटेड भी हम लोग सम्स को देखेंगे, तब तक इससे रिलेटेड आप लोग सम्स को करेंगे। थैंक यू।